वेलकम टू जॉय शेविंग चैनल माय फ्रेंड्स। वेट शेविंग की अमेजिंग दुनिया में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे पॉपुलर ओपन कॉम रेजर्स की। और ये जो मैंने यूज किए हैं और मेरे हिसाब से जो मैंने इनका परफॉर्मेंस एसेस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं इनको कोई रैंक नहीं कर रहा हूँ नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक, जैसे ये हैं और जिस प्रकार से इनका एग्रेसिवनेस है और परफॉर्मेंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं जानना भारत के सबसे पॉपुलर ओपन कॉम रेजर्स के बारे में। तो दोस्तों एक ऐसा रेजर सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो भारत में बनता है और विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। भारत के साथ साथ काफी लोगों को ये बहुत स्मूथ और इफेक्टिव शेव देता है और इसका परफॉर्मेंस के बारे में मतलब कोई कहता है कि ये ओपन कॉम रेजर का परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए, काफी लोगों को ऐसा लगता है। और वो रेजर है पार्कर का 26C। अब ये पार्कर का ओपन कॉम हेड है, काफी सारे और मॉडल्स भी आते हैं पार्कर की रेंज में जो ओपन कॉम हेड के साथ में आते हैं। इसका अगर एग्रेसिवनेस की बात करें तो लगभग 5 out of 10 है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि ऑल्दो ये एग्रेसिव शेविंग करता है लेकिन इसकी शेविंग बहुत इफेक्टिव और बहुत स्मूथ होती है। जो ब्लेड फील वगैरह है वो इतनी स्मूथ है कि बहुत इफेक्टिवली और अच्छे से शेविंग हो जाती है विदाउट फीलिंग एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव फील नहीं होता लेकिन बहुत बढ़िया शेविंग करता है। तो सबसे पहला रेजर हमारा पार्कर 26C। दूसरा रेजर भी ऐसे ही दोस्तों जो भारत में ही बनता है और बहुत पॉपुलर है विदेशों में भी भारत के साथ साथ, और वो है पर्ल L55 ओपन कॉम। यस, इसका भी परफॉर्मेंस काफी लोगों को पसंद आता है। इसका एग्रेसिवनेस स्केल मेरे हिसाब से लगभग 7 है out of 10, और जिन लोगों को कम फ्रीक्वेंटली शेव करनी है जैसे हफ्ते में एक आध बार या 10 दिन में एक आध बार, वो लोग ये रेजर प्रेफर करते हैं जनरली, या जिनको क्लोज शेव चाहिए कम पासेस में वो लोग भी L55 ओपन कॉम डेफिनेटली यूज करते हैं। ये बहुत बढ़िया रेजर है, बहुत अच्छी नर्लिंग है इसके हैंडल पे, शानदार पर्ल का L55 ओपन कॉम। तीसरा ओपन कॉम जो भी भारत के साथ साथ विदेशों में फेमस है लेकिन विदेश में दूसरे नाम से फेमस है, वो है रोमर 7 का CS11। इसका क्लोज ओपन कॉम जो हेड है उसकी भी काफी लोगों ने तारीफ की है। सेम ये लगभग 6 से 7 ही है 10 में से एग्रेसिवनेस के स्केल पे, लेकिन इसकी भी शेविंग काफी स्मूथ होती है। जिन लोगों को कम फ्रीक्वेंटली शेव करना है हफ्ते में एक आध बार वो लोग डेफिनेटली इससे शेव कर सकते हैं। अब इसकी भी नर्लिंग बहुत अच्छी है। इस रोमर 7 के काफी सारे क्लोज ओपन कॉम हेड के मॉडल्स आते हैं और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। ब्लेड एक्सपोजर हल्का सा है तो आपको अगर ब्लेड एक्सपोजर पसंद है थोड़ा सा तो आप डेफिनेटली ये क्लोज ओपन कॉम रोमर 7 का CS11 रेजर यूज कर सकते हो, वेरी गुड रेजर। चौथा रेजर एक ऐसा रेजर जो काफी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, काफी लोगों को पसंद आ रहा है और जो बजट कैटेगरी में भी है, वो है पर्ल का SS04 ओपन कॉम, जिसका जो ओपन कॉम हेड है वो काफी कुछ L55 जैसा है। अगर आप देखें तो काफी सिमिलर है L55 से, लेकिन इसका हैंडल थोड़ा स्लीक है लेकिन हैवी, मतलब काफी है हैंडल इसका भी, तो ये भी एक मीडियम हैवी रेजर में ही आएगा, वेरी इफेक्टिव मीडियम एग्रेसिव। इसका एग्रेसिवनेस सेम 7 out of 10 के लगभग है और बजट में बहुत अच्छा ओपन कॉम रेजर है, नाइस एंड एग्रेसिव बट स्मूथ रेजर। उसके बाद रोमर 7 का एक और रेजर है दोस्तों, रोमर 7BG ओपन कॉम। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ओपन कॉम है, इसका फील जो है वो क्लोज कॉम जैसा होता है लेकिन इसका जो शेविंग इफेक्टिवनेस है वो बिल्कुल ओपन कॉम जैसा है। वेरी इनोवेटिव डिजाइन फ्रॉम द हाउस ऑफ रोमर 7, बहुत बढ़िया डिजाइन है, नर्लिंग बहुत अच्छी है हैंडल पे, मीडियम हैवी रेजर है और थोड़ा हैंडल मोटा है पकड़ने में भी अच्छा। जिन लोगों को स्टाउट हैंडल्स पसंद है, मोटे हैंडल पसंद है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। वैसे रोमर 7 के इस हेड के साथ में काफी सारे हैंडल की वैरायटी आती है तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका ब्लेड फील उतना नहीं है लेकिन शेव काफी इफेक्टिव है, मैं इसको कहूंगा मीडियम एग्रेसिव है, लगभग 5 out of 10 होगा ये एग्रेसिवनेस के स्केल पे, रोमर 7BG ओपन कॉम। इसके बाद दोस्तों एक और ओपन कॉम बड़ा पॉपुलर है जो कि है पिंक वुल्फ का, अगेन क्लोज ओपन कॉम रेजर,
हैंडल पे नर्लिंग बहुत ही शानदार, डिजाइन एकदम रॉयल और शेव एकदम इफेक्टिव। ये एग्रेसिवनेस के स्केल पे वही 5 के लगभग होगा, 10 में से इफेक्टिव शेव, एग्रेसिव शेव बट अ स्मूथ शेव। तो एग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं है कि वो शेव आपकी रफ होगी, आपको निक्स कट्स लगेंगे। आपको एंगल तो मैंने जैसे आपको बताया, हर रेजर के साथ में आपको अलग अलग एंगल पे देखना पड़ेगा कि कैसा होगा। बट वेरी गुड रेजर, ये भी काफी पॉपुलर हुआ है अपने डिजाइन की वजह से और पिंक वुल्फ के इनोवेशन के कारण। सो वेरी गुड रेजर, पिंक वुल्फ OC70 ओपन कोम रेजर। वैसे इसका जो हेड है क्लोज ओपन टाइप का है। उसके बाद दोस्तों, अब ये जो रेजर मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है, ये ना क्लोज कोम है ना ओपन कोम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली इसमें दोनों हेड्स है, एक तरफ क्लोज कोम है एक तरफ ओपन कोम है, और इसका एक पर्पज है। बहुत ही शानदार रेजर है ये, मतलब मेरे टॉप रेजर्स में मैं इसको काउंट करता हूँ, जो कि है रोमर 7 हाइब्रिड। अब रोमर 7 हाइब्रिड हेड के साथ में काफी सारे हैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके हिसाब से मॉडल नंबर चेंज होता है। बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि रोमर 7 का हाइब्रिड हेड और इसमें भी ओपन कोम साइड है, काफी इफेक्टिव है, वेरी गुड ओपन कोम साइड। तो ये रेजर की खासियत ये है कि आपको फर्स्ट पास जो है वो अपना ओपन कोम साइड से करना है, और सेकंड पास जो है या अगेंस्ट द ग्रेन जब आप अगर करते हैं तो इसको क्लोज कोम साइड से करना चाहिए, बहुत इफेक्टिव शेव मिलती है। अक्रॉस द ग्रोथ में भी अगर आप चाहें तो ओपन कोम साइड से करें या क्लोज कोम साइड से करें, दोनों ही तरफ से आपके पर्पस के हिसाब से आपको इफेक्टिव शेव मिलेगा। सो ये मेंशन करना मुझे जरूरी लगा कि मैं आपको ये बताऊं कि इसका ओपन कोम साइड जो है हाइब्रिड रेजर का काफी इफेक्टिव है। दैट्स वाई ये भी हमारे ओपन कोम के इस वीडियो में अपनी जगह डेफिनेटली बनाता है, रोमर 7 हाइब्रिड रेजर। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही यूनिक रेजर, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। इसका वजन लगभग 150 ग्राम है और रिसेंटली हमने इसको रिव्यू भी किया था। इसके जो कोम्स हैं वो भी काफी यूनिक है, 90 डिग्री के एंगल पे होने के बावजूद भी कर्व मौजूद है इसमें, और उसके कारण ही ये हैवी बियर्ड ग्रोथ एज वेल एज मीडियम हैवी बियर्ड ग्रोथ दोनों पे उतना ही इफेक्टिव है। इसका हैंडल मैंने आपको बताया था थोड़ा सा स्लिपरी आपको लग सकता है, काफी लोगों को नहीं भी लगा जो कि अच्छी बात है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको हैंडल स्लिपरी लगता है तो फिर आपको एलन के साथ में उसको कैसे ग्रिप करना चाहिए। तो वो रेजर है द जवान कमांडो। तो जवान रेजर्स का ये कमांडो रेजर है, बहुत ही हैवी वेट रेजर है, और हैवी वेट होने के कारण इसका फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको ये रेजर सिर्फ अपने स्किन पे रखना है और हल्के से ग्लाइड करना है, और आपको मल्टीपल डेज के बियर्ड ग्रोथ पे भी काफी इफेक्टिव शेव मिल जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस रेजर को एक मीडियम शार्प ब्लेड के साथ में स्टार्टिंग में यूज करो, जैसे कि विल्किंसन स्वॉर्ड या फिर विलीज या ग्लैड्स या लेजर अल्ट्रा। और अगर आपको लगता है कि आपको और इफेक्टिव शेव चाहिए, थोड़ी शार्प फीलिंग चाहिए, तो फिर आप सुपर मैक्स प्लेटिनम प्लस फेदर या फिर चाहे तो बिग क्रोम प्लेटिनम या 7 o'clock सुपर प्लेटिनम जो है जिलेट का, उसके साथ में भी ये रेजर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रेजर बहुत यूनिक है। अब आप देखेंगे इसके कोम जो है 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये एकदम शार्प नहीं है, कर्व है। तो इसी कारण से जब आप शेविंग करते हैं तो आपको कोई चुभन महसूस नहीं होती, आराम से रेजर ग्लाइड होती है और बहुत ही अच्छी इफेक्टिव शेव मिलती है। जिन लोगों को मल्टीपल डेज की ग्रोथ पे शेव करना है, मतलब कम से कम अगर आपकी गैप 3 से 4 दिन की होती है दो शेव्स के बीच में, तो आपके लिए रेजर काफी इफेक्टिव है। दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक रेजर्स। ये मतलब इसके ऐसा कोई और रेजर ही नहीं है। आई थिंक एक रेजर है फॉरेन में जो मैग टी के नाम से फेमस है, उसका हेड तो मुझे काफी सिमिलर लगता है जवान कमांडो के, लेकिन वो रेजर मेरे पास है नहीं तो मैं उसके बारे में ज्यादा कह नहीं सकता। तो दोस्तों ये थे इंडिया के मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर ओपन कोम रेजर्स जो हमने यूज किए, हमने एक्सपीरियंस किए, और उसके हिसाब से हमने इनको इस वीडियो में इंक्लूड किया है। काफी लोगों को ये लगता है कि उनके शेव ओपन कोम रेजर से ही अच्छे होते हैं। मैं काफी लोगों को जानता हूं जिन्होंने बताया है कि उनको क्लोज कोम से इतनी इफेक्टिव शेव नहीं मिलती जितनी एक ओपन कोम रेजर से मिलती है, और इसलिए ओपन कोम रेजर्स को डिस्कस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए आज हमने डिस्कस किए भारत के सबसे प्रोमिनेंट ओपन कोम रेजर्स। अब आप डेफिनेटली इनसे एक्सपीरियंस ले सकते हैं, शेविंग एंजॉय कर सकते हैं, और आप जानते हैं अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, इन रेजर्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और अगले वेट शेविंग एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार, चाओ।